के दरदार थे उन सबके बुलंदी दर्जात के लिए ये मुश्तरका मजलिस यहाँ हो रही है। मौला की बारगाह में दुआए मालिक तमाम मरहूमीन जिनके नाम हमने लिए और जो मौला के मानने वाले जहाँ भी गुजर गए मालिक इस मजलिस के सदके इस जिक्र के सदके इस हरम के सदके उन सबके दर्जात मजीद से मजलिस बुलंद बहुत ज़्यादा जहमत नहीं देनी ये दोनों मजालिस हम मिलकर कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सलाम पढ़ना है उसके बाद ज़ुरिया शाह जी या नोहा पढ़ लेंगे या बन पढ़ेंगे जैसे बेहतर समझेंगे हम मिलकर फिर मौला के बारगाह में पर्चा पेश कर लेंगे। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ जनाब फरदीन काजिम से कि वो आए मौला के बारगाह में और नजराने अकीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलावत एक बार फिर सब मिलकर सलावत पढ़िए। कितना प्यारा हुसैन का रोजा मेरे मौला हुसैन का रोजा कितना प्यारा हुसैन का रोजा और तू जब से देखा हुसैन का रोजा जब से देखा हुसैन का रोजा और ख्वाब से क्यों जगा दिया सामने था हुसैन का रोजा इतना प्यारा हुसैन का रोजा और फातिमा के ये दो ठिकाने हैं या अली या हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने कैसे मिलता है खुदा देख लिया और जाके खुद कर वो बला देख लिया है मैंने देर है
शरी आजाद की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद नारा सलावा कदमों से लिपट कर
अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर आए, जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर, अब आए वो बाबा। बाबा घराना गीता खालिक रज़ा से उस वक्त ना आए, पर जब खाक पे दम तोड़ा गा था मेरा अकबर आए, जब खाक पे दम तोड़ा गा था मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। जब बाली सकीना के गहर छीने गए थे, लगते थे तमाचे हसरत से मुझे गए, देखती थी बानुए मोस्तर आए, हसरत से मुझे गए देखती थी बानुए मोस्तर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से निकट, अब आए हो बाबा। शाहिद रुखे हैदर पा बिखर जाते थे आंसू, जब खोल के गए सू अरे चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर आए, चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर, अब आए हो बाबा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत ये मेरी सैन कर बला रोके आख शाम दी मुसाफिरा, शैतान बाग जदों आइए मेरी सैन कर बला रोके आख शाम दी मुसाफिरा, शैतान बाग जदों आइए मेरी सैन कर बला रोके आख शाम दी मुसाफिरा, हाल की सुनाव तनू शाम कहिए ज़ैनब लुका रोके आख शाम दी मुसाफिरा, हाल की सुनावत नू शाम गई ज़ैनब लुका रोके आख शाम दी मुसाफिरा, पड़दा पियाया चेलम करण फिरावा दा त्रै भेड़ी के निभा के वो बहुआ उखियां लथियां मामला तू अकबर दे शहर दे के अद प्यारा दुनिया कबार अब्बास उते अद शाम दे हाल सुना दे गाजी दी कबर ते जान के अली दी पिया दी अब्बास कहता माश किया वे थी दफन गई हुआ मैला चोला Bye.
कैद निभा के त्रै महमल बशीर मुहारी अकबर की जागीर का बनना जाबी रकू वालाया तेरागीर मुसाफिर जे तेरे परदादार टुरन दिया दिन उठवा जे टुरन दिया दी नहीं वत वल्ला मारे टिबे टिबे नहीं रह गए सैयदा दे क्यों आते हूं मुअल्ला बन गई है मुअल्ला दा लफ्ज़ है महमल जो आवाज आई इनू आख नू मुअल्ला बनावन वास्ते मैं साल शाम दियां कैदां निकली गई बीबिया दी दे कोलों कुछ हुक्म कहते जाबिरा दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे मुर्शद अब्बास दा हुक्म है गाजी दा नाम है बीबिया दी एही वारिस नू आख ना वल जावे मैं तबावी दी भेण वदी सदी दियां जाबिरा दे इत्थे गाजी दा हुक्म है लफ्ज़े अब्बास आए अली दी धी चुप होई इंद्री जे मोहम्मद जो इक आवाज आई है ए तसेणी इन साडा सेणी अलदा वा कोई नहीं जे अलमाले दा हुक्म है असल है पवीए बीबिया दी नाम मेरियां धीआं रल के लासू मैं तुहाडे मामे गाजी नाल इक वखरी गल करनी है अली दी धी मोहम्मद दा परदा हटाया है गाजी दी कब्र दे बिठे बीबिया दी दूर दियां वसदियां हाय 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 ओ भेणा ते नाराज फिरा नहीं थीने ओ जड़ा भेणा वे मलकियत विच नहीं टुरन दे होगा मलकियत विच नहीं टुरन दे होगा इक वैण जेड़े हाय करबला दी नदी विच डर सकदी हो राज रुंदी आलिया गांधी दी कब्र तो वेख के पिया दी मैं लह बौसा नहीं जरा मातमी कोशिश करे सर मातम पड़े अली दिया धीया की हसरत मुहारिया तेरे परदादार नू लहना पौसी इथे पैदल तुरना पौसी बीबिया दिए मन नुसरूंगा तो बीबी पैया दिए पैदल किवें टुरा जागी आखरी वैन भज पे जा बिरगा दी दी कब्र ते झंड के आता है मौला कोई बीबी है जेड़ी महमल तो नहीं लांदी बुजुर्ग इत्थे कवैण पढ़दे आंदे आन गाजी दी कब्र हल गई है आवाज आई है जाबिर उस बीबी दा नां ते पुछना या आदे मौला ना तो उम्मल मसाइब दे सहंदी है गाजी दी कब्र हलिए आवाज आई उस बीबी नू आख नौकर पिया दई ते डाबे का ना मंगी कर मोमिना दुआ हुण त
दशा लावसे कर हुसैन पाकिस्तान बोला तुम करबला के पंजे आज करबला आए बैठे हो अयो मकाम में जिसे भेड़ खड़ी रही है ओ मकाम में जिसे मेरा आज जिंदा रहे हैं खैमे पास फिर अकबर दबा बतड़ पे आए सैयदा दा हर जरा बिमार क्यों रुक गए मेरे केड़े सजन बचाए कोई थी पी मरी खंजर जमीन ते क्यों रखे ओ बदमाश खैमे आले पासे क्यों है गए मेरी भेड़ी खड़ी हूं एक कुत्ता हसे आए शबीद पास ले के दम मैं रुक गया तेरी थी और जितने मुमरीन मेरे आपके गुज़िश्तगान हैं सबके बुलंदी दर्जात के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद आवाज़ से बल्कि उन सबके बुलंदी दर्जात के लिए मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ सूरतुल अनफाल पढ़ने वाले लोग मौला मजीद तासीर और ताहिर अता फरमाए हुसैन बात रहे हैं वाह निजात दे जाओ हुसैन बात रहे हैं निजात दे जाओ कुछ निजात ले जाओ शेर नज कर रहा हूँ कि ये करबला है ये मुझसे नो
जुमा की बस्ती है ये कर भला है ये मौजिज नुमा की बस्ती है कफर साले सवाब की मजदे से उनके लिए शेर पढ़ा मैंने हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ और कहे कहे गहश्र में खालिक अली के मुल्के से कहे حشر میں خالق علی کے ملک سے اٹھاؤ اٹھاؤ اپنے یہ سوم و سلام حسین بانٹ رہے نجات دے جاؤ اور خدا سے مسئلے ختن ایک بھی ملے نہ گئے تو میرے حسین سے ایک ساتھ ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات دے جاؤ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں نجات دے جاؤ اور کہے گی فاطمہ وقت ظہور میں گئے آپ سب کا یہاں آنا قبول کرنا کہیں گی فاطمہ وقت ظہور میں ہے دی سے کہ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ دریب بھائی آپ کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں کہ درِ حسین سے تم خالی خالی ہاتھ آؤ گے عجیب سا مصرعہ پریشان ہونے والا مصرعہ پہلا لیکن دوسرے مصرعے میں اطمینان ہو جائے گا درِ حسین سے تم خالی خالی ہاتھ آؤگے ذرا ذرا سمیٹ کے سب مشکلات میں پڑھ دوں آپ 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 پ
والے شیر نہ جناب پڑھو آصف بھائی کہہ رہے ہیں ایک کلام مولا کی بارگاہ میں اور پڑھ دوں جیسی بھی آواز ہے دو تین بند اس کے پڑھ دیتا ہوں معاف کیجیے گا اگر پورا نہیں ہو سکے چلیں ایک سلوات اور مولا کی خوش نصیبی حسین ہے نا 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 ہاں حسین ہے نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا چلے میں اگر اجازت دیں گے زاکر کو تھوڑا تھوڑا بتا لیں حسین ہے نا کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے حسین ہے نا حسین حسین ہے نا زین بھائی مولا تجاد بلند فرمائے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کرے کہ آواز لگے خدا نے رسول جہاں کو یہ اصول دے دو حسین حسین جب تک بھی پشت پہ ہے تم اپنے افتخار بھائی کے کاظمی صاحب کے اور منظر شاہ صاحب کے
हाँ हुसैन सुभान अल्लाह हुसैन कर्बला में बैठे बंसुल ने हुसैन है ना ख्याल छोटो ख्याल बल्कि ये नहीं कर्बला के मुताबिक बन गया था वो नहीं फौज वाला नहीं फौज वाला हुसैन है ना हाँ हुसैन है ना जलाल में जब अली का बेटा चला जो तेरे अली को तो ले अजीब अजीब भगद थी कर्बला में सवाल एक दूसरे से बोले तेरे पीछे पीछे तेरे पीछे अबे जलाल में जब अली का बेटा चला जो तेरे अली को तो ले अजीब भगदड़ थी कर्बला में सवाल एक दूसरे से बोले तेरे भी पीछे हुसैन है ना वो सब बलाओं को टाल देगा वो मुश्किलों से निकाल खिलाफ खिलाफ शाह वो सारी दुनिया वो खुद ये सारे मुझसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले जाकिरीन हैं ये इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्लाह ये मौला इनकी इज्जत और तमाम यहाँ जो मौजूद हैं यहाँ जो मौजूद नहीं हैं देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उन सब की तरफ से बल्कि उन सब के लिए कर्बला की जमीन से वो सब बलाओं को टाल दे वो मुश्किलों से निकाल खिलाफ चाहे वो सारी दुनिया वो खुद अकेला ये खुद अकेला संभाल ले अली के शियों अली तुम्हारा मौला हुसैन 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 हाँ हुसैन वाह 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 वाह
करबला की जमीन से इन सारे जाकिरीन के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इनका भी यही अकीदा है। हम अली को अल्लाह नहीं कहते, वली अल्लाह कहते हैं। जो अली को अल्लाह कहता है हम उसके साथ नहीं है, जो अली को अपने जैसा कहता है हम उसके साथ तो कभी भी नहीं है। भाई बन नाजर कर रहा हूँ, शायद कोई बात हो। हुसैन है ना, न वो लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से हुआ है पैदा, न कोई भी उससे होगा पैदा। ये शर्त तौहीद है नुसैरी, बता बता मैंने सोचा था मसाए पढ़ूंगा, लेकिन मैंने अपनी सीखी की ड्यूटी पूरी कर ली। मसाए आसिफ भाई पढ़ेंगे। आखिरी बात सुन ले, हुसैन है ना। अब तक जो नहीं बोला बोला उसके लिए ये आखिरी तीन मिनट रहे। हुसैन है जो देखा, जो देखा, जो देखा माथे पे दागे सजदा, तो शेर से बोली उनकी जोगा, जो देखा तो शेर से बोली उनकी जोजा। जनाब जनाब सब खैरियत तो है ना, कभी इतना किया है सजदा, वो बोले जल के साहब आज से की बात गए मौला में वो फजाइल मसाइब पेश करें, और इसके बाद मिलकर ये सारे अजादार नोहा खानी और मातमदारी करेंगे मौला की बात का। तमाम अजादारों की सेहत व सलामती के लिए, तमाम जाकिरीन, तमाम उलमाए हक़, तमाम शहदा, तमाम मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद आ रही सलाम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه المؤمنين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاه والسلام على ابا الحسين وجداء الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين وانصار الحسين واخوان الحسين ولعن الله تعالى على الحسين اما بعد فقد قال رسول الاعظم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجات بلند صلوات الله عليه دعا ہے مالک کے حضور دہلیز عزت پہ میرا مالک جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے آج ذکر کا اہتمام ہے مرحوم محفوظ سید تجمل قاسمی جناب سید منظر شاہ صاحب سید افتخار حسین شاہ صاحب آپ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں میرا مالک تمام کے درجات میں اضافہ فرمائے میرا مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کلمہ حق میں نصیب نہ ہو عقیدہ حق ہو
मौत की हिचकी हो जुबान पे वर्दे अली वली नजम की फरमाए, कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए, क़यामत की सुबह हो शफात शबीर नसीब फरमाए, हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में अली वलीउल्लाह के पैरे पारों में और मौला शबीर के अज़ादारों में नसीब फरमाए। बहुत बड़ी दुआ बादशाह के दहलीज पे मेरे मालिक को गवाह बना के मेरे वारिस के ज़हूर में बहुत बेहतर तरीके से बहुत आसन अंदाज से तमाम ज़ाकरी ने अपना अपना हिस्सा डाला। उस मालिक के सामने हमारी इज्जत क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात क्या कि जहाँ खतीब वो हो जो नेज़े की नोक पे बोलता हो उसके सामने हम क्या लब कुशाई कर सकें। तो हम तो अपनी मार्फत का एक कासा लेके मालिक दहलीज में बैठे हैं कि मालिक हमें इरफान की कोई खैरात अदा फरमा दे। मीर साहब ने अपनी मनकबत में जो आखिरी जुमला कहा कि ये मेरा वो मालिक है कि जिसने सजदे को नबी के सजदे को दूर दलवा दिया। रसूल सजदे में थे, सिर्फ रसूल सजदे में नहीं थे, सहाबा की जमात सजदे में थी, मस्जिद अल्लाह की थी, नमाज नबी पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे पढ़ रहे थे, या हुसैन खेलते खेलते नहीं आए, मर्जिया तौहीद से आए। मैंने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि बचपन के हुसैन खेलते खेलते आ जाए। इमामत बचपन में भी इमाम ही होता है, इमामत यहाँ खेल नहीं होता है, इमामत यहाँ कोई चीज खेल नहीं होती। हुसैन मंशाए परवरदिगार के साथ आए, सजदे में नबी थे, हुसैन पुश्त पे बैठ गए, नबी